अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे ये एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व 2 अप्रैल से शुरू हो गया है और ये पर्व आदिशक्ति माता दुर्गा को समर्पित है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल दिन शनिवार से शुरू हुए थे। इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, तो इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन के होंगे। नवरात्रि में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता की खास कृपा बरसती है। इस बार की चैत्र नवरात्रि के दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। 2 अप्रैल से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप चैत्र नवरात्रि में रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा देंगे ये एक चीज, तो माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखे, कब खरीदे, कब फेंके और झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे चैत्र नवरात्रि में रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां ही इकट्ठा हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे शुभ प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे दोस्तों, झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन खासकर अगर हम चैत्र नवरात्रि में कोशिश करें तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाए तो घर से कलह कलेश खत्म हो जाएंगे, घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती है और इसीलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने से कुछ समय में ही विशेष लाभ होता है और कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना आवश्यक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सूर्यास्त के बाद, खासकर चैत्र नवरात्रि में सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू भूलकर भी ना लगाएं, नहीं तो माता लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जरूरी हो तो कूड़ा कचरा किसी कपड़े में समेट करके आप घर में एक किनारे कर लें और बाहर ना फेंके, वरना घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। अगले दिन सुबह घर की सफाई के साथ आप इस कचरे को बाहर फेंकिए। दोस्तों, हमेशा झाड़ू को एक जगह पर रखना चाहिए, एक ही जगह पर रखने की व्यवस्था करें। अब ऐसा ना हो कि कहीं पर भी झाड़ू लगाया और इधर उधर आपने रख दिया। ऐसा करने से घर में धन का आगमन प्रभावित होगा और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपने चैत्र नवरात्रि में सपने में झाड़ू देखा है तो इसका मतलब है कि माता रानी की कृपा बरसने वाली है और माता लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली है। झाड़ू को अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में सपने में देख लेते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस बार के चैत्र नवरात्रि कई सारे दुर्लभ राजयोग और शुभ संयोग का निर्माण कर रही है। जहां एक ओर सर्वार्थ सिद्धि योग है, दूसरी ओर अमृत सिद्धि योग है, तो वहीं कई ग्रहों की युति राजयोग और धन योग का निर्माण कर रही है, जिसके कारण इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और फलदायी है। और इस दिन यानी अगर आप चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे कुछ चीजें दबा कर रख दे तो माता लक्ष्मी जी की खास कृपा पूरे साल बनी रहेगी। अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, कभी भी धन खत्म ही नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपके घर में साल 6 महीने हो गए हैं और झाड़ू खराब हुआ पड़ा है, पुराना हो गया है, तो इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ज्यादा पुराना झाड़ू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए, इससे जीवन में धन की परेशानियां बढ़ती है। तो अगर आपका झाड़ू पुराना हो गया है तो इस नवरात्रि नया झाड़ू ले आइए और नवरात्रि में नए झाड़ू का उपयोग करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, जिस तरह से आप अपने घर में धन को छिपा कर रखते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू को भी अपने घर में छिपा कर रखना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। लोगों की नजरों में ना आए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भूल कर भी खुले आंगन में खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा, ऐसा ना करें। आइए अब जानते हैं क्या है वो चीज जो आपको झाड़ू के नीचे दबा कर रखनी चाहिए।
पहली चीज दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप लाल मिर्च रखें। जी हाँ दोस्तों, 5 लाल मिर्च या फिर 11 लाल मिर्च जरूर दबा कर रख दें। अगर आपके घर में किसी की नजर लगी हुई है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, किसी ने टोना टोटका कर दिया है, बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, तो आप रात सोने से पहले चैत्र नवरात्रि में झाड़ू के नीचे चुपके से 5 या 11 लाल मिर्च दबा करके रख दें, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी, कभी भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। दूसरी चीज जो आप झाड़ू के नीचे रख सकते हैं वो है धनिया। धनिया माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। अगर आप साबुत धनिया थोड़ी सी मात्रा में झाड़ू के नीचे रखते हैं तो घर में धन आता है, धन की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए आप इसे जरूर कीजिए। तीसरी चीज दोस्तों जो आप रख सकते हैं वो है कौड़ी। हर प्रकार के धन संबंधित समस्याओं को खत्म करने के लिए झाड़ू के नीचे आप कौड़ी दबा कर रख दें। कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। अगर चैत्र नवरात्रि के दिन रात सोने से पहले कौड़ी आप झाड़ू के नीचे दबा कर रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी की खास कृपा आपके पूरे घर में जीवन भर बरसेगी। और अगर आप चैत्र नवरात्रि रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लौंग इलायची दबा कर रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी की खास कृपा आप पर बनती है, धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी, धन आगमन के स्तोत्र हमेशा बढ़ते रहेंगे। दोस्तों लौंग इलायची नीचे दबा कर रखने से माता लक्ष्मी जी की खास कृपा बरसती है, विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती है, जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। दोस्तों ये चीजें आप झाड़ू के नीचे दबा कर रखेंगे तो अगले दिन सुबह आपको इन चीजों का करना क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। आपको सुबह सफाई के समय इन सभी चीजों को अपने घर से बाहर करना है। कौड़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा अलग है, कौड़ी के लिए भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो मैंने आपको ये धनिया बताया है, लौंग इलायची बताया है, या फिर अगर आप अपने झाड़ू के नीचे लाल मिर्च रख रहे हैं तो ये आप सुबह सफाई के समय घर से बाहर कर दें। लेकिन कौड़ी अगर आप रात में रखते हैं तो कौड़ियों को सुबह अच्छे से धो ले, गंगा जल से शुद्ध कर ले और उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। इसके अलावा दोस्तों चैत्र नवरात्रि में रात सोने से पहले आप झाड़ू के नीचे 1 रुपए का सिक्का भी दबा कर रख सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का दबा कर रख दे और अगले दिन सुबह इस सिक्के को अच्छे से धो ले, गंगा जल का छिड़काव करें और उसके बाद आप इसे अपने घर में मंदिर में रख लें। इससे जीवन में विशेष उपलब्धियां प्राप्त होगी, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, कभी भी धन खत्म नहीं होगा, धन के स्तोत्र हमेशा बने रहेंगे। माँ लक्ष्मी को ये 1 रुपए का सिक्का चरणों में चढ़ा दीजिए अपने घर के मंदिर में और रोजाना जब भी माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो इस 1 रुपए के सिक्के की भी पूजा जरूर करें। धन आगमन हमेशा बना रहेगा और आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। चैत्र नवरात्रि में रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे मोर का पंख भी आप दबा सकते हैं। मोर का पंख दबाने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी, कभी भी धन खत्म नहीं होगा, धन आगमन के स्तोत्र हमेशा बने रहेंगे। और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धन संबंधित समस्याएं हैं, तो वो दूर होगी। अगले दिन इस मोर पंख को घर में फेर ले थोड़ा सा, जिस प्रकार झाड़ू मारते हैं उसी प्रकार से घर में थोड़ा सा इस मोर पंख को फेर ले और उसके बाद घर से दूर कहीं फेंक दे। अगर बार बार आपका धन खर्च हो रहा है, घर में धन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, तब आप चैत्र नवरात्रि में रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे संतान प्राप्ति के लिए या नौकरी प्राप्ति के लिए या हर प्रकार की धन संपत्ति प्राप्ति के लिए आप हल्दी की गांठ 5 की मात्रा में झाड़ू के नीचे दबा कर रख दीजिए। यकीन मानिए इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सदैव धन का आगमन बना रहेगा। तो दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्रि में बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आप इन उपाय को जरूर एक बार करके देखिए और फिर देखिए चमत्कार। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।